सो दोस्तों, कभी कलाल आप अपने आप कभी YouTube वीडियो में देखते होंगे, जैसे कि यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, वीडियो में जो है कोने में जो है कार्ड का ऑप्शन शो होता है कि नेक्स्ट में जो है आपको कौन सा वीडियो मतलब कि प्ले होगा, सारा कुछ मतलब कि यहाँ पर शो होता है। और साथ ही दोस्तों एक और स्क्रीनशॉट ये देख लीजिए। तो यहाँ पर जैसे दोस्तों कोई जैसे YouTube वीडियो लास्ट होता है, तो लास्ट होता है तो वहाँ पर एंड स्क्रीन शो करता है। जैसे कि एंड स्क्रीन में कुछ भी आप लगा सकते हो, वहाँ पर प्लेलिस्ट लगा सकते हो, वीडियो लगा सकते हो, कुछ भी वहाँ पर लगा सकते हो, या चैनल का जो है मेन चैनल वहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो ये सारा कुछ कैसे कर सकते हो? तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों ये सारा कुछ मतलब कि जैसे वीडियो में यूट्यूब वीडियो में एंड स्क्रीन लगाना और यूट्यूब पर जैसे ऐड कार्ड का ऑप्शन वीडियो में ऐड करना, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में फुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वीडियो में लगा सकते हो। गाइज, होता ये है कि ये सब चीज़ें लगाने से जो वीडियो का जो मतलब कि वीडियो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव बन जाता है और काफ़ी प्रोफेशनल लगता है। तो ये सब चीज़ें यूज करने से और बेनिफिट ये है फ्रेंड कि नीचे आपका वीडियो शो करेगा, सजेस्ट में आपका मतलब यूट्यूब वीडियो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर ज़रूर से करनी है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को भाई हर बार कहता हूँ, एक लाइक ज़रूर करना, और नए हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि YouTube से रिलेटेड ऐसी वीडियो टाइम टू टाइम आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो भाई मैं अभी अपने मोबाइल के स्क्रीन पर हूँ और यहाँ से आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको क्रोम में अपना YouTube जो है चैनल वो लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ से चलिए मैं अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद गाइस सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पर जो चैनल है क्रोम ब्राउजर में क्रिएटर स्टूडियो में लॉगिन कर लेना है। यदि नहीं आता है तो उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा और साथ ही एंड स्क्रीन पर भी दे दूंगा। तो सिंपली से दोस्तों अभी यहाँ से अपलोड वाले ऑप्शन पर चलते हैं और कोई एक सब वीडियो ले लेते हैं अपलोड करने के लिए। तो यहाँ से सिलेक्ट फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो करते हैं गाइस, आपके सामने कुछ नया इंटरफेस इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो सिंपली से दोस्तों यहाँ से मैं वीडियो ले लेता हूँ और यहाँ से देखिए अपलोडिंग होने लगा। तो मोनेटाइज आपका चैनल है तो मोनेटाइजेशन ऑन कर लीजिएगा। बाकी मैं चलता हूँ एंड स्क्रीन जो है बताने के लिए, वो कार्ड का ऑप्शन और एंड स्क्रीन का। तो सिंपली से पहले मैं यहाँ से एंड स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और सिंपली से दोस्तों आपको सामने बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मैं एक चैनल और एक वीडियो का लगाता हूँ, तो मैं रिसेंट वीडियो का अपना जो है लिंक यहाँ पर ऐड करता हूँ। तो सिंपली से यहाँ देख सकते हो फ्रेंड, इस तरह से ऐड करके सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए एक जो है एंड स्क्रीन वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। आप कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, सिंपली से दोस्तों यहाँ कोई सा भी एक वीडियो ले लेना है। और लेने के बाद देखो यहाँ एक वीडियो मैंने ले लिया जो ऊपर इस तरह से शो करेगा, और सिंपली से आगे जो है तो भाई यहाँ से देखो एक जो है सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ से कोई एक प्लेलिस्ट सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और कोई एक सा प्लेलिस्ट यहाँ पर ऐड कर देना है जो कि वीडियो से मैच करे। तो सिंपली से ये करने के बाद दोस्तों अब देखो ये सेव पर क्लिक करेंगे, और सेव पर क्लिक करते ही गाइज आपका जो है दोनों जो ऑप्शन है यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। और होने के बाद फ्रेंड यहाँ से आप देख सकते हो ये आपको सेव कर लेना है। तो आई होप दोस्तों देखा कि कैसे आप अपने जो वीडियो है यूट्यूब वीडियो उस पर कार्ड और एंड स्क्रीन का ऑप्शन ऐड कर सकते हो दोस्तों। और मैं बताते चलूँ कि हमारे डिस्क्रिप्शन में अदर सोशल मीडिया की लिंक है, तो आप चाहे तो आप हमें अदर सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए गाइज, मिलते हैं किसी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।